सत्रह कोई बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब रहा। मगर उनका चेहरा नहीं। नहीं डॉक्टर, आप नहीं जानते हो कितने हंसी हैं। आपकी शादी को कितना अर्थ हुआ है? एक हफ्ता। आपको उनसे बहुत प्यार है। वो मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारे हैं। अगर वाकई आपको जिंदगी से ज्यादा प्यारे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। कम से कम उनकी जान तो बच गई। मोहब्बत हुस्न की मौत आज नहीं होती। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, उनके हसीन चेहरे को बिगड़ने से बचा दीजिए। आइए मेरे साथ आइए। आप तो प्लास्टिक सर्जन हैं, मैं इसीलिए तो उन्हें यहाँ लाई थी। आप तशरीफ तो रखिए। अगर आप चाहें तो मेरे शौहर के बिगड़े से चेहरे को फिर से हसीन बना सकते हैं। आप बैठिए तो सही। खर्च की बिल्कुल परवाह ना कीजिए, हम लोग काफी अमीर हैं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री तो जरूर हासिल की है, लेकिन मुद्दत हुई मैंने इस फन को छोड़ दिया। कुछ भी हो, एक बार फिर आपको अपने फन को काम में लाना होगा। मैं अपने शौहर को बदसूरत होते ना देख सकूंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैडम, तकदीर के बेरहम हाथ चेहरे से उसका हुस्न छीन सकते हैं, लेकिन उनकी उंगलियों में इतना बल नहीं कि दिल की मोहब्बत से पंजा लड़ा सके। मोहब्बत बहारों की मोहताज नहीं होती, वो खिजां के झोंकों में भी जिंदा रहती है। मोहब्बत संगीन चट्टानों की तरह अटल होती है, वक्त के तूफान पूरी ताकत के साथ उससे टकराते हैं और अपनी नाकामी पर सिसकियां भरते हुए दम तोड़ देते हैं। 12 बरस बीत गए, अभी कल की बात मालूम होती है। Yeah.
गिर जाता तो मैं क्या करूं बाबू, कसूर हवा का है, उड़ा ले गई। बच के रहना इस हवा से, कहीं तुम्हें भी उड़ाना ले जाए। बातें ना बना बाबू, दे दो दुपट्टा मेरा। ये लो, ये तो नहीं जाता, मालूम होता इसने मुझे पसंद कर लिया। तुम क्या छिपाते हो जी, खाली दुपट्टे से क्या होगा, बहुत से चूड़ियां भी उतार दो। अजी आप कहें तो हम चोली भी पहनने को तैयार हैं, इसे भी उतार दीजिए। क्या हुआ? डाकू कहीं का दुपट्टा ले उड़ा। डाकू कहीं का दुपट्टा ले उड़ा और उसके साथ बुलबुल का दिल भी। बात ही बात में बात बन गई। प्यार में दिल हार के
रोशन चल फिर मिल गया ना, जाने कल कब आएगी? थोड़ी देर और ठहर जाओ, तुम्हें जी भर के देख। तुम्हारा दिल कभी नहीं भरेगा, इसलिए कि पहले तुम्हारी सूरत देखने पर भी मेरी आंखें प्यासी रहती हैं। मुझे जाने दो रोशन, कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की पहली किरण हमारे प्यार के राज को जगमगा दे। बुलबुल, कल शाम तक किस सांस के नगमे तुम्हारी इंतजार में करती हूँ, देर ना करना। डर गई? ये तेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसका काटा पानी मांगे ना मांगे, तेरे काटे का तो इलाज ही नहीं मेरी जान। अरे हटा इसे, जाने दे मुझे। काले की कसम, तू तो यही भागती है मुझसे। अब भागू ना तो क्या करूं, ये तेरा सगा काट ले मुझे तो। इसकी ये मजा ले, मैं इसका झगड़ा ही खत्म किए देता हूँ। तेरे लिए मैं क्या नहीं कर सकता मेरी जान। इतनी रात में कहाँ से आ रही? जहाँ से मेरी मर्जी, तू होता कौन पूछने वाला? बड़ा ऐसा पोलिया कहेगा। मैं उससे मिलने गई थी जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। कहाँ गई थी, जवाब दे। और मासी, तुम तो मेरी माँ की जगह हुई ना। क्यों नहीं बेटा, छुटपन में मैंने और तुम्हारी माँ ने कम से कम आधी दर्जन गुड्डे गुड़कों के बिया रचाए होंगे।
तो काले की कड़क सच मुझका ब्याह भी रचा। मैं तो मार बच गई। ये कौन सी बड़ी बात है, बुलबुल तो बचपन से तुमसे मंगी है। ये तो ठीक है, लेकिन वो तो आंख उठाकर भी नहीं देखती, बात करो तो काटने को दौड़ती है। ये सब बाप के लाड प्यार का नतीजा है, छोकरी के मिजाज ही नहीं मिलते। लेकिन मैं क्या करूं, सौतेली जो ठहरी। मासी कुछ करो ना, नहीं तो काले की कसम हम कुंवारे ही रह जाएंगे। तू जी अलकान ना कर, मैं अपनी सी सब कर गुजरूं। जाने मुझमें क्या बात है, बुलबुल मुझसे भिदकती है, पास बुलाओ तो दूर भागती है। अभी कल रात की बात है, मैं उसे बुलाते ही रहा और वो धुत्कार कर चल दी। कल रात बुलबुल तुझे कहाँ मिली थी? ये जंगल में। किस वक्त? आधी रात को। मासी मगर तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं गबरू, जा तेरा काम बन गया, अठवाड़े के अंदर अंदर बुलबुल से तेरा ब्याह ना रचा दूं तो मैं सौतेली माँ नहीं। सौतेली माँ के दिमाग में बाप की लाडली बेटी से इंतकाम देने की एक अछूती तरकीब ने जन्म लिया। उसने सोचा कि आधी रात को जंगलों में घूमने वाले ये आदत जल्दी नहीं छोड़ते। उसने तय कर लिया कि रात को बुलबुल जब छुपकर घर से निकल जाएगी तो वो उसके बाप को जगाकर सब हाल बता दे, और इस तरह इंतकाम के एक ही घूंट से बरसों की प्यास बुझा ले। लेकिन रोशन और बुलबुल शमाए मोहब्बत के दीवाने परवाने पर तोलते हुए तूफानों से बेखबर मोहब्बत के आसमान पर फर्राटे भर रहे। Oh,
मेरे दिल में हॉल उठ रहा है रोशन, मुझे अपनी मजबूत बाहों में छुपा, वादा करो तुम मुझसे कभी जुदा नहीं। मैं वादा करता हूँ, इन तूफानों की कसम खाती मैं तुम्हारा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँ। ये तूफान भी थम जाएगा, लेकिन वो तूफान जो बुलबुल के बाप के सीने में उठ रहा था तेज होता गया। सौतेली माँ की सुलगाई हुई चिंगारी गैरतमंद बाप के सीने को जला रही। बुलबुल, मेरी आवाज नहीं सुनी तूने? मैं समझी आप सपने में बोल रहे थे। आज तक सपना ही देख रहा था, लेकिन तूने ठोकर मारकर जगा दिया। कहां गई थी, कहां से आ रही है, किससे मिलने गई थी, जवाब दे। बिल्कुल मेरी भूल ऐसी है कि आपको शर्त कर दूंगा। जो करना था कर चुकी, अब मेरी चीखों का मजाक ना उड़ा। खाब जरूर देखा, मगर आपकी इज्जत के उजले दामन पर गुनाह का छींटा भी नहीं पड़ने दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा प्यार सच्चा है। अगर तू खामोश नहीं रह सकती तो मैं तुझे खामोश किए देता हूँ। अच्छा है, अपने हाथों से गला घोट कर मुझे मौत के घाट उतार दे। आपकी नजरों से गिर कर मैं जीता से ये तूने क्या किया बुलबुल? बरसों की बनाई हुई इज्जत को आंख की आंख में अमलिया मेट कर दिया। यही पथरीली चट्टाने जिनकी वादियों में हमारी तलवारों की झनकार गुंजा करती थी, मुझे बेगैरत कहकर पुकारेगी। मेरी गर्दन में बेशर्मी का तौक पहना दिया जाएगा, मेरे चेहरे पर बेहयाई की कालक मल दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जान दे दूं। तेरी मौत बदनामी के दाग को नहीं मिटा सकती बिल्कुल, तेरे खून के छींटे मेरे चेहरे की स्याही को और गहरा कर देंगे। तो और मैं क्या कर सकती हूँ? तू जवानी के तूफान को शराफत के चट्टान से रोक सकती है, तो ख्वाहिशों के जहरीले सांप को गैरत की एड़ी के नीचे कुचल सकती, तू अपने प्यार की कुर्बानी दे दे। इतनी भयानक कुर्बानी? तू घरानी की इज्जत के साथ खेल सकती, तू खानदान की तमन्नाओं का खून कर सकती, तू मेरे जज्बात से होली मना सकती, लेकिन जमानी के अंदर ख्वाहिशों का अपमान नहीं कर सकती। तू चल के लिए बुलबुल, तू नहीं उठ रहे, तू पैदा होते ही क्यों ना मर जाए। अपने प्यार की कुर्बानी तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, लेकिन मेरे मुंह से आ भी ना निकले। मैं वादा करती हूँ जिंदगी भर उनसे ना मिलूंगी। आपको भी एक वादा करना होगा, आप जिंदगी भर मुझे शादी के लिए मजबूर न करेंगे। वादा कीजिए, जवाब दीजिए। मैं वादा करता हूं कि तेरी शादी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करूं। Thank you.
बुलबुल बुलबुल दरवाजा खोलो बुलबुल। तुम बिहानी आ गए थे, चले जाओ यहाँ। तुम्हारे इंतजार में सांस के नगमे तड़प तड़प कर खामोश हो गए। देखो मैं उनकी लाश तुम्हें दिखलाने आया हूँ। बाबा ने देख लिया तो तुम्हारी जान का खतरा। तुम चले जाओ यहाँ, तुम नहीं जानते उनका गुस्सा बड़ा खतरा। तुमने आने का वादा किया था, मैंने इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम ना आई। क्यों? मैंने आना चाहा, लेकिन घराने की लाज ने मेरा दामन थाम लिया। मैंने चलना चाहा, लेकिन खानदान की इज्जत ने मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने भागना चाहा, लेकिन बाबा को दिया वादा लोहे की दीवार बन गया और मेरे कमजोर हाथ उस दीवार को तोड़ ना सके। अगर तुम्हारे कमजोर हाथ इस दीवार को तोड़ ना सके तो मेरी टकरे इसकी बुनियादें हिला देंगी। तकदीर से नूर जहां, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेरहम हाथ तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ले। अगर तकदीर मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है तो जिंदगी भी ले जाए। तुम मेरी जिंदगी हो बुलबुल, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। रोशन, तुमने, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी नस नस ने हजार बार पुकार पुकार के कहा है मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। मैं उसी प्यार का वास्ता देकर कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। यहाँ ठहर कर मेरी रुसवाई और अपनी मौत को दावत न दो। मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। और मेरी रुसवाई, तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं? तुम्हारी इज्जत तुम्हें मुबारक रहे। मोहब्बत की लाश मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, आबाद रहो। वादा करो सांस के इन तारों को अब कभी न छेड़ोगे। सांस के तार टूट चुके, इनसे अब आह भी ना निकलेगी। ठहरो। कौन हो तुम? मैं वो नाग हूँ जिसके मुंह से तुम उसका शिकार छीन रहे हो। क्या चाहते हो? तुम्हारी शहरक का खून पीना चाहता हूँ। जल चुका है मेरा खून, पी ना सकोगे। शहरी छोकरे मर्द बातों से नहीं बाहों से लड़ा करते हैं। गिरती हुई दीवार के सामने मत आओ, दब जाओगे। इन खिलौनों से औरतें धमकाया करती हैं। मर्द का बच्चा है तो छुरे से दो हाथ कर ले।
नाले की कसम मेरे प्यासे खंजर में इतनी सख्त नहीं कि तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर सके। तुम्हारे खंजर की प्यास बुझाने के लिए मेरा खून हाजिर है। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा हासिल करना चाहता हूँ। ये मेरे रास्ते में काले नाक की तरह फन फैलाए खड़ा है, मैं इसे कुचल दूंगा। इनके बदले मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। अगर मैं इसे जिंदा छोड़ दूं तो क्या तुम मेरी हो जाएगी? देखो तुम्हारा प्यारा मौत और जिंदगी के दरमियान स्थितियां ले रहा है। याद रहे, तुम्हारी एक नहीं इसे मौत की गोद में सुला देगी। अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो कहो हाँ, कहो कहो हाँ। नहीं, बहुत दिल, मैं तुझे जवामर समझता था, मगर आज मालूम हुआ बहादुरी तेरा हथियार नहीं, मक्कारी तेरी ढाल है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मैं बुलबुल को चाहता हूँ, इसे हर कीमत पर पाने के लिए तैयार हूँ। तू इस काबिल भी नहीं कि बुलबुल के पांव भी छू सके। तूने अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और को चाहती है, उसके बावजूद इसे अपनाना चाहता है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुझे पनाह ढूंढ ले। बुलबुल एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी है, इसका शौहर भी कोई बहादुरी हो सकता है, तुझ जैसा कमीना नहीं। अजी छोड़ो इन फूलों की सजावट को, जरा ये भी तो देखो कि तुम्हारे भतीजे साहब ने क्या गुल खिलाया है। क्या? जरा गौर से सुनो भतीजे साहब क्या लिखते हैं। मेरे प्यारे चाचा, क्या लिखूं क्या हो गया, एक ऐसी बात हो गई है जिसके लिए मैं खुद भी तैयार न था। मेरी शादी हो गई है। शादी? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी तुम्हारी उम्र मजाक की है? अलबत्ता भतीजे साहब ने हमारा जरूर मजाक उड़ाया है। लिखते हैं कि आप नाराज होंगे मगर मैं आपको मना लूंगा। नहीं, हम बहुत खुश हुए, बड़ा तीर मारा है। हाँ, कभी हमने भी तीर चलाया था। चाहता तो यही था कि ये ब्याह आपके हाथों रचाया जाता, लेकिन आप बहू को देखेंगे तो माफ कर देंगे। न हम किसी को देखेंगे न माफ करेंगे। और लिखते हैं कि हम हाजिर हो रहे हैं। जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके। ए, ए, सुनो तो क्या है? जरा आराम से सोच। मैं अच्छी नहीं सोचती, कोई ऐसी बस लड़की इस घर में नहीं आ सकती। अरे ठंडे दिल से गौर करो। मैंने कह दिया वो हर किस इस घर में नहीं आ सकती। कभी तुमने ये भी सोचा है कि बहू के साथ बेटे को भी अपने हाथ से खो दोगी? देखा जाएगा, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। तुमने रोशन को माँ की तरह अपनी गोद में पाला है, तुमने उसके लिए सैकड़ों रातें आंखों में काट दी हैं, हजारों बार उसकी जिद पर अपनी खुशी कुर्बान की है। जब वो रोता था तो तुम बेताब हो जाती थी, और जब वो हंसता था तो तुम हरी डाली की तरह झूम उठती थी। वो नहीं था तो ये घर किस कदर सूना और भयानक नजर आता था, और जब वो आया तो जिंदगी आई, रोशनी आई और हम गोया जी उठे। अगर वो इस घर से चला गया तो घर की जिंदगी और रोशनी भी अपने साथ लेता जाएगा। सोचा है तुमने? बोलो, बहू इस घर में आएगी या नहीं आएगी? बोलो बोलो। आएगी। चलो चलो बेटा, घबराओ नहीं, चलो। Oh,
बैठो। कैप्टन साहब जी, जरा इधर आइए। बरखुरदार, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ कहना है। जी। मुझे लड़की पसंद है। जी शुक्रिया। ठहरो, बहुत पसंद है। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। खेलने कूदने के दिन है, तुम जाओ, हम तो बूढ़े होने को आए। चाचा दिल जवान रखिए, मर्द भी कई बूढ़े होते हैं। और आप तो अब भी अच्छे मालूम होते हैं। गुड नाइट। नाइट 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 नाइट। अजीब ढंग है लाडिया के। कुछ नहीं, बच्ची है। बच्ची है। हम बूढ़े हो गए, डांस नहीं कर सकते। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी बेबी, बम 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 बम, डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी बेबी, बम 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 बम। और उनके छोटे से घर में खुशियों का राज था। लेट्स हैव सम कॉफी। तेजी के साथ गुजरता गया, रोशन और बुलबुल के प्यार के पौधे पर फल आ गया। सेब लीजिए। जी नहीं शुक्रिया। कहते हैं फल से फल मिलता है। जी मैं बना। लो देखिए, जिन्होंने दूध नहीं पीता। लो बेटा ये लो। हेलो बाबा। हेलो बाबा। बम 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 बम। अभी हम अपनी बेटी के पास बैठे। प्यार दो। नो पॉरेज फॉर मी।
इजाजत है। टाटा बोलो बेटी, डैडी को टाटा बोलो। टाटा। हर रोज रोशन के दफ्तर जाते ही उसकी प्यासी निगाहें घड़ी की सुइयों से तेज चलने की ठीक नहीं है। डैडी तो हमारे दिल की आवाज नहीं सुनते, तुम ही पुकारो शायद चले आए। बुलाओ नन्ने, बोले जानी डैडी आओ, बोले डैडी आओ, डैडी आओ। शाबाश शाबाश शाबाश। लो डैडी आ गए। बगैर देखे ही कह दिया, कैसे? आपकी आहट से। हम तो सुना करते थे आहट से अंधे पहचानते हैं, लेकिन तुम तो आंखों वाली हो। मोहब्बत भी तो अंधी होती है। तो रोशन के लिए हर दिन ही के आनंद में हिटलर की तूफानी फौजों ने दुनिया मन को आग लगा दी। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, अनमोल मोती हैं। इन्हें जाया ना करो, हंसो, मुझे हंसते हुए रुखसत करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रह सकूंगी। तुम आज न जाओ, मैं वादा करती हूँ कल न रोकूंगी, हंसते हुए रुखसत करूंगी। हमें हकीकत से मुंह ना मोड़ना चाहिए और वाकयात का मुकाबला करना चाहिए। मगर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकूंगी? ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पास नन्ना होगा, हमारी मोहब्बत की जीती जागती निशानी। देखो वो मेरी अमानत है तुम्हारे पास, उसका ख्याल रख। हाँ एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगी? कहिए। नहीं कहता, वहीं से लिख भेजूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, अभी बताओ। तुम जानती हो मैं जिंदगी को नई रोशनी में देखता हूँ और उसके तकाजों को समझता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। वक्त का मरहम बड़े बड़े नासूरों को अच्छा कर देता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी साथी की जरूरत महसूस हुई तो झूठी शर्म में ना रहना, शादी कर ले। शर्म तो नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, तुम रोशन ख्याल हो, लेकिन मैं तो पुरानी लकीरों पर आंख बंद करके चलने वाली हूँ। औरत पहली और आखिरी बार मोहब्बत करती है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी साथी की जरूरत नहीं। तुम न रहे तो नन्ना रहेगा, तुम्हारी याद रहेगी जो मेरी जिंदगी का सहारा होगी। जान, जान से प्यारी, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो मैं जिंदा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरी निगहबान रही और मुझे मौत के मुंह से भी निकाल लाएगी। डैडी 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 Thank you.
चाची, अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ कर दीजिएगा। चुप चुप जियो बेटा, मालिक तुम्हारा देखे पाना। चाची चाची, बुलबुल और नन्हे का ख्याल रखना, इन्हें किसी बात की कोई तकलीफ ना होने पाए। अगर मेरे बेटे को यहाँ पे तकलीफ हुई तो याद रखिए, आपका बेटा वहां बेचैन होगा, समझी? बुलबुल तुम भी चाची की हर मर्जी पर चलना, उन्हें अपनी माँ की तरह समझना और उनका हर कहा मानना। चाचा इजाजत है? बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जहां भी जाओ फतेह पाओ। बात सुनो, वहां जाकर तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी अपनी जंग में फतेह पाऊं। जंग? कौन सी जंग? अरे भाई वही जो रोज तुम्हारी चाची से छिड़ी रहती है। अरे चाचा उसके लिए ना तो दुआ है ना दवा। मेरे नसीब, तन्हाई में कर ले दुख सुख की दो बातें।
जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। रोशन लापता है और ख्याल है कि वो जिंदा नहीं। हो सकता है कि ये ख्याल गलत हो। पिछली लड़ाई की मिसालें मौजूद हैं। लोगों के मरने की खबर आई लेकिन वो जिंदा वापस आए। क्या है चाचा? रोशन जिंदा है बेटी, मेरा दिल गवाही देता है कि वो नहीं मर सकता। तू सदा सुहागन रहे और तेरी किस्मत का सितारा हमेशा रोशन रहे। जल्दी पानी लाओ। अरे कोई है? बेटे तुम्हारे डैडी हमसे लूट गए। डैडी को बुला लेंगे। वो नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं? हम डैडी का लाभ पूंगे। बेटे जिद नहीं करते, पियो। हम नहीं पीते। नन्नी नन्नी, ये छोटे साहब खाना खा लेंगे। हम डैडी का साथ खाएंगे। डैडी नहीं आएंगे। आएंगे बेटा। नहीं आएंगे। आएंगे। समझ लो कि तुम्हारे डैडी मर गए। ये झूठ है। तुम्हारे डैडी जिंदा है। नन्ने तुम्हारे डैडी जिंदा है। कौन कहता है? तुम्हारे डैडी जिंदा। नन्ने तुम्हारे डैडी जिंदा। वो कभी नहीं मर सकते। वो कभी नहीं मर सकते। वो कभी नहीं मर सकते।
बहुत लंबे हुआ करते हैं। शौहर की जुदाई की चोट सह भी न पाई थी कि नन्ना बीमार पड़ा, इतना सख्त कि उसकी जान के लाले पड़ गए। जिस डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाया गया वो काबिल होने के साथ साथ जवान भी था। ये किस्सा है जब का कि आतिश जवान था। फिर ये कैसा बुखार है डॉक्टर? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, खून टेस्ट करने के बाद बता सकूंगा। डॉक्टर साहब आपकी सीट। आप इतनी तेजी ना करें, मैं सिर्फ इसी के लिए तो बच्चों का इलाज नहीं करता। कान में मवाद जमा होने की वजह से बुखार आ गया है, इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे इंजेक्शन है जो इसी लड़ाई के जमाने में इजाद हुए हैं और हर 3 घंटे के बाद मिल जाते हैं। हर 3 घंटे बाद? जी हाँ, वरना असर जाता रहता है। मेरे बच्चे की जिंदगी आपके हाथ है, आप जैसा मुनासिब समझे करें। बहुत अच्छा, तो मैं आज ही से इंजेक्शन शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब आप इस बारिश में कहाँ जाएंगे और फिर आएंगे? यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए दूसरे कमरे में बिस्तर लगा देती हूँ। आप तकलीफ न करें, शुक्रिया।
मुझे इसी 10 बजे की गाड़ी से पार्वती हिल जाना है, बाकी इंजेक्शन मेरा असिस्टेंट लगा दे। क्या आज ही आपका जाना जरूरी? जी हाँ, वहाँ मेरा अपना अस्पताल है जहाँ सिर्फ बच्चों ही का इलाज होगा। डॉक्टर साहब, ये बच्चा मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बानी कर सकती हूँ। आप ही इसका इलाज कीजिए, मैं आपका उम्र भर एहसान मानूंगी। अच्छा, मैं नहीं जाता, मैं यही। डॉक्टर, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरा दिल रख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सर्दी में भी तुम गर्म रहती हो, जब देखो तुम्हारा पारा चढ़ा रहता है। मैं पूछती हूँ तुम थे कहाँ? नहीं था कहाँ, हकीम साहब की दावत में देर हो ही जाया करती है। गई क्या बताऊं, तुम्हारी जान की कसम, तुमने वो मुर्ख खिलाया है कि मैं खुद ही मुर्ख बन गया और उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ पाऊं। हटो, ये आज बिजली को आंख मिचोली खेल रही है। उस आंख मिचोली की खबर लो जो इस घर में खेली जा रही है। क्या मतलब? मुझसे बेसवा के लक्षण नहीं देखे जाते, बच्चे की बीमारी की आड़ लेकर डॉक्टर से दिल बहलाया जा रहा है। क्या वाहियात भक्ति हो, चल के खुद देख लो, मैं भक्ति या तुम भक्ति हो। क्या बेहोशी है, अंधेरे में क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब नन्हे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। ओह, आई एम सॉरी। शर्म कर, किलो भर पानी में डूब मर, हमें देखकर इंजेक्शन का बहाना कर लिया, और ये मुआ डॉक्टर बच्चों का इलाज इसलिए करता है कि उनकी माँ से इश्क रहा है। चाची, आप जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इन्हें जाहिल समझकर माफ कर दीजिए। शायद अब इंजेक्शन की जरूरत न पड़े, लेकिन अगर टेम्परेचर कम ना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं कोई डॉक्टर भेज। मेरे पास बहुत अच्छी इंजेक्शन है, हर 3 घंटे के बाद मिल जाए, वरना असर जाता रहता है। हमारे पास नन्ना होगा, हमारी मोहब्बत की जीत की जाग की निशानी, देखो वो मेरी अमानत है तुम्हारे पास, उसका ख्याल रखना। मैं समझाना जाना कौन है? इस टेलीफोन को क्या हो गया है? जा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे नन्हे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। Thank you.
ढूंढने का बुखार नहीं उतरा। मुबारक आपका नन्ना बच गया, बुखार टूट चुका है। मगर अभी भी तो बुखार से तप रहा है। अक्सर बुखार तेज होकर टूट जाया करते। डॉक्टर साहब आपका एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगी, आपने मेरे नन्ने की जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज है, मैं इसे अपना ही नन्ना समझता। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन चाची उस वक्त मुझे होश ही न था कि मैं आपसे इजाजत लेकर जाती। आप खुद समझ सकती हैं माँ की ममता क्या चीज होती है। फिर मुझे ख्याल आता था कि नन्ना उनकी अमानत है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो अब क्या मुंह दिखाने के लायक रह गई हो? औकात मुझे पहले ही मालूम थी, मैंने शुरू से पाव रगड़े थे कि तेरी नौबत इस घर में ना आने पाए। मगर तू आई और डाइन बनकर आई, हसम को तो खा चुकी। चाची अब क्या हम सबको हजम करेगी? मालूम होता है तेरी असल खराब है, तू फोन माँ बाप पर जिन्होंने तुझे जन्म दिया। चाची मैं बदनसीब हूँ, आपका जो जी चाहे मुझे कह दीजिए। मेरे माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्हें कुछ ना कही, तुझ में घर था तो आईना ले और अपने चेहरे पे बरसती हुई नौसत को देख। चुड़े तूने हमें कहीं का ना रखा, तभी नहीं अपने बच्चे को ले और अभी यहाँ से निकल जा। ये आपका है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? फकीर की झोली में न जाने किसने झूठा टुकड़ा डाल दिया। निकल जा यहाँ से हरामजादी। चलो नन्ने, ये घर हमारा नहीं है। क्यों जी, ये किसे बातें हो रही थी? तुम्हारे कान पछते होंगे, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। मैंने कहा तुम दिन ब दिन जवान होती जा रही हो, कालों पर तो गजब की सुर्खी है। सुर्खी तो गजब ही की है, मैंने भी गजब ठाया है। ऐसी मरम्मत की है कि वो भी याद करेगी। कौन याद करेगी? वही तुम्हारी बुलबुल जो डॉक्टर के हाथ से मुंह काला करके आई थी। वो आई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं खबर की? मैंने उसे निकाल दिया है। तुम होती कौन हो उसको निकालने वाली? ये मेरा घर है। उतना ही उसका है जितना तुम्हारा है। अरे मेरे नसीब, संभालो अपना घर। मुझे किससे मिलाया है, किस बेसवा से मेरा मुकाबला किया है? खबरदार, जो तुमने बहू के लिए कुछ कहा। आंखें क्या दिखाते हो, तुमने भी तो सब कुछ देखा है। मैंने कुछ नहीं देखा, वो धोखा था, तुम्हारी अकल का फेर था। ये हमारी गलती थी जो हमने उसे गलत समझा। तो जाओ ले आओ, घर की रानी बनाकर रखो। बेशक वो इस घर की बहू है, रानी ही बनकर रहेगी। तो मैं चली मैके। Thank you.
ओहो महारानी जी, राजमहल को छोड़कर झोपड़ी में कैसे आन बटती। माँ इतने दिन हुए मुझे बाबुल का घर छोड़े, अभी तक तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। बेटियां मैं के नहीं आया करती क्या? आया करती हैं सुहाग ने, लेकिन वो कलंकनियां मुंह भी नहीं दिखाया करती जो अपने शौहर को खाने के बाद दूसरों पर डोरे डाला करती। माँ कहाँ है वो डॉक्टर, कौन है वो, उसके पास क्यों नहीं चली गई, उसने भी निकाल दिया क्या? चुप रहो माँ, बहकाया तुम्हें किसी ने। तू मेरी आंखों में धूल ना झोंक, तेरी ससुराल से तेरे करतूतों का सारा हाल लिखा है, तेरे बाबा ने भी पढ़ा है। बाबा? हाँ तेरे लाडले बाबा को खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसकी जबान बंद हो गई। उसने चारपाई संभाली, अब सिर्फ वो मौत के सहारे उठ सकता है। यूं मुंह ना मोड़ो बाबा, देखो मेरी तरफ देखो, तुमने मुझे वहां की तरह पाला है, मैं चाहूं भी तो दिल का राज तुमसे नहीं छुपा सकती। देखो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो बाबा, इनकी गहराइयों में तुम्हें गुनाह की हल्की सी झलक भी नजर आ जाए तो मुझे बद्दुआ दो, मैं गुनाहगार हूं तो कहो। बुलबुल तू सुख चाहे तो दुख पाए, तू रोना चाहे तो आंसू तेरी हंसी उड़ाए, तू मौत मांगे तो तेरी नींद उड़ जाए, तू प्यासी हो तो बिजलियां तेरी प्यास। तेरा सुहाग बना रहे बेटी। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तमन्ना भी पूरी नहीं कर सकता। बुलबुल को जिंदा रहना पड़ा, अपने
लिए नहीं, नन्ने के लिए, अपने प्यार की निशानी सलामत रखने के लिए उसे नष्ट बन जाना पड़ा। तकदीर के चक्कर ने उसे डॉक्टर से फिर एक बार मिला दिया। तस्वीर आपके बचपन की है? जी नहीं, मेरे नन्हे की। कितना प्यारा है, कहाँ है ये, बुलाइए इसे। नन्ना वहाँ है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, किसी ने मुझे डॉक्टर बना दिया, वरना मैं तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जर्मनी गया था। नन्हे की मौत ने मेरे ख्याल को बिल्कुल बदल दिया, मैंने महसूस किया कि नहीं ज्यादा जरूरी है किन को बेमौत मरने से बचाया जाए, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के इलाज के लिए वक्त कर। मैं जिस बच्चे का इलाज करता हूं उसे अपना ही नन्ना समझता हूं, शायद यही मेरी कामयाबी का राज है। नन्ना, मेरा नन्ना। और ये कौन है? ये मेरी बीवी है। छोड़ दो, बाहर ना जाइए, छोड़ दो मुझे नन्हे के। आइए ना, get out. Why are you holding me back? आइए। No, I want to go down. Oh please. I don't want all of you. I hate you all. Kill all of you. माफ कीजिएगा, मैं अभी आया। मेरी बीवी इतनी बुरी नहीं जितनी कि शायद आप समझिए। दौरा कभी कभी तेज पड़ जाता है, सिर्फ अच्छी नर्सिंग की जरूरत है। आपकी बीवी की नर्स मैं बनूंगी। मेरी छाती पर मूंग दलो, जवान है, खूबसूरत है, गले से लगा लो ना। खामोश, तुम इनकी तौहीन कर रही हो। अच्छा, करूंगी, मेरी मर्जी। कहीं शरीफ औरतें भी ऐसी बातें किया करती हैं? You are not a lady. Am I not a lady? And I must be going mad. मैं पागल होती जा रही हूँ, मुझे बचाओ। प्लीज डाल, डू समथिंग, मेक मी अ लेडी अगेन। ऑल राइट, तो नर्स से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो प्लीज नर्स, कह दो कि तुमने मुझे माफ किया, कह दो। अच्छा, माफ कीजिए। थैंक यू नर्स, तुम बहुत अच्छी। प्लीज डार्लिंग, एम आई लेडी नाउ? यस।
प्यार की घड़ियां भी कितनी कठिन होती है। तुम इंतजार नहीं कर सकती तो खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। हाय रे जालिम मोहब्बत, सबसे पहले भूखी को खा जाती है। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सुझी। जी मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मेरा कहा मत, अब खाना खा ही जाओ, तुम्हें मेरे कसम। तेरी कसम, मुझे भूख नहीं, और फिर कोई ऐसी देर भी तो नहीं हुई। आजकल 12 जल्दी बज जाते हैं, क्यों क्या ख्याल है? आप अभी तक जाग रही हैं? नींद कैसी? ठीक है, सो रही है। रस भरी, मेरे कमरे में कॉफी दिया। और खाना? वो तो मैंने खा लिया, आपने नहीं खाया क्या? अजी इनका क्या है, गम खा लिया गुस्सा पी लिया। तुम्हें ऐसी बातें करती हो? अभी क्या कहा था तुमने? मैंने कुछ कहा था क्या? अरे हाँ, तुम मेरी बातों पर ध्यान न दिया करो, मैं तो कुछ चिट्ठियां के गई। मेरा भी यही ख्याल है। अरे मेरी बुलबुल बस नाराज हो गई। करोगी ये कॉफी डॉक्टर साहब को तुम दिया, मैं सोने जा रही हूँ। बड़ी समझदार हो तुम, मगर मेरी मौजूदगी में बुलबुल से तुम्हारी छेड़खानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुलबुल के मुतल्लिक मेरे जज्बात क्या है मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता, सिर्फ महसूस कर सकता। बुलबुल में एक अजीब शान है, वो इतनी दुखी होने पर भी किसी से रहम की भीख नहीं मांगती। लेकिन तुमसे क्या कहूं, तुम शायद इन बातों को समझ भी ना सको। घाट घाट पर प्यास बुझाने वाले प्यास की लज्जत क्या जाने। तुम भी बुलबुल के मुतल्लिक मेरे जज्बात को नहीं समझते, मैं नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। बुलबुल आपको गलत न समझे, यकीन रखिए डॉक्टर And so all of us, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, and so all of us. Aha! क्या है? रोशनी का तार आया है, वो आ रहा है। Aha! मेरी कसम। तेरी कसम, तेरे खसम की कसम। ओ मालिक, मेरा रोशन जिंदा है, मेरा रोशन जिंदा। मालूम नहीं उस नीली छतरी वाले को हमारा कौन सा गुनाह पसंद आ गया जिसका ये इनाम मिला है।
मैं आ सकता हूँ? तशरीफ रखिए। आपने मुझे पहचाना? माफ कीजिएगा, बुढ़ापे में और चीजों के साथ साथ दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तशरीफ रखिए। आपकी सूरत तो कुछ पहचानी हुई सी मालूम होती है, लेकिन कब और कहां देखा है कुछ ख्याल नहीं आता। जी हाँ, मैं काफी बदल चुका हूँ। मैं रोशन। ओह, आप रोशन के दोस्त हैं? जी हाँ, उसका तार तो आया था, वो खैरियत से है और जल्द ही आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं। बस आता ही होगा, हम तो रोज ही उसका इंतजार करते रहते हैं। अजी साहब, ये तो उसकी मेहरबानी है, वरना हम तो रोशन की तरफ से नाउम्मीद हो चुके थे। आओ आओ, ये रोशन की चाची है, आप रोशन के दोस्त हैं। घर में हर तरह से खैरियत तो है? खाली घर में खैरियत ही समझो, या कौन सा कुनबा बसा है। रोशन के बीवी बच्चे वो कहाँ हैं? क्या बताऊँ बेटा, वो कहाँ है, उस उठाई को हमें कहीं कना। छोड़ो भी इन बातों को, तुमसे क्या, मिट्टी डालो। अब मैं अपने रोशन को क्या जवाब दूँ, क्या मुंह दिखाऊँ? मैंने कहा मिट्टी डालो। चाची क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हमारा रोशन कितना भोला है। किसी के चक्कर में पड़ के कहीं शादी कर ली थी, ऐसी नई औरतों से उम्मीद ही क्या हो सकती। मैंने कहा मिट्टी डालो। मिट्टी नहीं तो क्या गुलाब छिड़कूंगी? लो बेटा, रोशन के लिए बुरी खबर का आना था तो उसने नया ताना बाना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर पर डोरे डालने लगी, ये बेशर्मी ना देखी गई। मैंने उसे निकाल दिया तो उसी के पास जा बैठी। ये क्या कह रही है? मैं तो साफ और सच कहने वाली हूँ, वो बेशिया पार्वती हिल्स पर डॉक्टर मल्ले के साथ गुच्छरे उड़ा रही है। ये कौन था? कौन हो सकता है? जल्दी चलो स्टेशन।
जरूरत तो कोई नहीं बेटे, यही डर के चले चले। जी नहीं, मुझे अंगूर चाहिए। खट्टे हैं। कोई हर्ज नहीं। भूत भूत नहीं, बेचारा डर गया है। नहीं नहीं नन्ना हमारा बहुत बहादुर है, ये किसी से नहीं डरता। क्यों नन्ने, तुम किससे डरते? इंसान था, तो खत्म हो चुकी। अब इन खिलौनों से खेलना ठीक नहीं सिपाही। सिपाही, आपने कैसे जाना? ये रिवॉल्वर फौजी है, अगर तुम सिपाही नहीं तो फिर चोर हो, लेकिन मैं तुम्हें सिपाही समझा। शुक्रिया। लेकिन तुम यहां क्या करने आए थे? आवारा गर्दी,
और ये रिवॉल्वर? मेरे लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई। क्या मतलब? मैंने इस लड़ाई में मौत से जिंदगी छीनी, मौत पर फतेह पाई, लेकिन अब जिंदगी से शिकस्त खा रहा हूं। जिस उम्मीद के सहारे गोलियों की बौछारों में भी जिंदा रहा, वही दामन झटक कर चली गई। उम्मीद अक्सर बेवफाई करती है। जी हाँ, वो भी औरत की तरह एतबार के काबिल नहीं। बड़े दिलजले मालूम होते हो, मगर यहाँ कैसे भटक पड़े? तकदीर खींच लाई। फिर क्या इरादा है? जो किस्मत को मंजूर हो। कहाँ जाओगे? जहाँ नसीब ले जाए। दर दर भटकने से तो यही अच्छा है, किसी एक दर के हो जाओ। इस दुनिया में मेरा कहीं ठिकाना नहीं। लोग मेरे साए से डरते हैं, उन्हें डरना ही चाहिए। चुप रहो नन्हे, बुरी बात है, ये शरीफ आदमी। नन्ना ठीक कहता है, मैं भूत हूँ। मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, मुझसे डरना ही चाहिए। छोड़ दो इन्हें। बेचारा हमदर्दी के लायक है। जरा ठहरिए, आप नौकरी करेंगे? जी नौकरी जरूर करूंगा, अगर नन्हे साहब ना डरे। नहीं नहीं, नन्हे साहब को डरेंगे? आपको देखा नहीं था इसलिए घबरा गए, वरना ये डरने वाले थोड़े हैं। ये तो शेर से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्यों नन्हे, इनसे डरते हो? इन्हें नौकर रख लिया जाए। Love. It seems going to be a love affair. Game. Love game. आप इस हंसी की कोई फिक्र कीजिए। इस वक्त लव सेट से बचने की फिक्र है। अच्छा चलिए, देखा जाएगा। चलिए शुरू कीजिए। आपकी खांसी इतनी बढ़ती जा रही है, आप कोई दवाई क्यों नहीं पीते? आप ही ठीक हो जाएगी, मैं ज्यादा दवाई का काज जी नहीं। जब तक आप दवाई नहीं पियेंगे मैं नहीं खेलूंगी। अच्छा जी, पी लेंगे। आप शुरू तो कीजिए। नहीं, अभी नुस्खा लिखिए। कफ मिक्सचर लीजिए। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, शायद देर हो जाए, खाने पर मेरा इंतजार नहीं। हर वक्त आपको दूसरों की फिक्र रहती है। लीजिए दवा पी लीजिए। कोट पहन लीजिए, बाहर ठंडी हवा चल रही है। रुत पलट रही है, एहतियात से चलना चाहिए। शुक्रिया। आज तो मामला ठीक मालूम होता है, बड़े होश की बातें कर रही हैं, लेकिन दवाई नहीं। तुम ही कोशिश कर देखो। अच्छा, आज तो तुमने डॉक्टर साहब को हरा दिया। भूलो मत, मर्द जानबूझकर हार जाया करते, और यही उनकी जीत होती है। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है,
तुम अब तक कहाँ थी? आपकी तबीयत कैसी है? मैं दवा लाऊं? आपको मेरी सेहत की बड़ी फिक्र है ना, तो यूँ कीजिए, एक दिन दवा में थोड़ा सा जहर मिला दीजिए, आपके सारे फिक्र दूर हो जाएंगे। आप क्या फरमाती हैं? जी मैं तो अर्ज करती हूँ, फरमाती तो आप हो, पराए मर्दों से इश्क। सुन रहे हो दुनिया क्या कहती है? लेकिन रोशन, बुलबुल की मोहब्बत चट्टानों की तरह अटल है, उसे कोई तूफान अपनी जगह से नहीं हिला सकता। बुलबुल तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी रहेगी। रोशन आओ और मेरी बर्बादी का नजारा देखो। जाएगा
दुपट्टा। दुपट्टा? जी हाँ, मैं इसे देखने पर मजबूर हो गया था। ये दुपट्टा बहुत पुराना मालूम होता है, आपके इस लिबास पर जेब नहीं देता। तुम्हें इससे क्या, तुम होते कौन हो? चलो नन्ने। कहना चाहते हो क्या? जी जी नहीं तो फिर इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आप इन सुनसान पगडंडियों पर अकेली चल रही थी, सूर्य डूब चुका था, शाम की स्याही फैलती जा रही थी, मैं पीछे हो लिया। ये सब किस लिए? तुम तो मुझे जानते तक नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? तुमने मुझे आज देखा, मेरा कल क्या था तुम्हें मालूम नहीं। जिंदगी के पेचीदा रास्तों पर भटक गई, मेरा पीछा मत करो, तुम भी उलझ जाओगे। सुनिए, इस तरह घूरते क्या? माफ कीजिएगा, मैं इस दुपट्टे को देखने पर मजबूर हो गया था।
कितनी हसीन है इसकी ये रंगीन धारी, बीते हुए दिनों की याद की तरह खूबसूरत। मेरी जिंदगी की सुहानी यादें भी इसी जान से बंधी, ये मेरे सुहाग की निशानी है। अब तो यही तमन्ना है कि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश भी इसी से ढांकी जाए। उस दिन कहा था औरत एतबार के काबिल नहीं, लेकिन अब कहता हूं तकदीर हर जाई है, वो एतबार के काबिल नहीं। सावरिया खो
तारे तो है कोई पुकारे। तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं। मेरी आंखें किसी को ढूंढते ढूंढते अपनी नींद खो बैठी और मेरी नजरें किसी को पाकर भी चैन ना पा सकी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। इसमें आपकी समझ का कोई कसूर नहीं। खुद मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। सिर्फ इतना जानता हूं कि जब रात बहुत हसीन होती है और चांदनी जर्रे जर्रे को दुल्हन बना देती है तो यादें नश्तर बनकर मेरे जख्मों का मुंह खोल देती हैं और चांद की हर मखमली किरण सांप बनकर मुझे डस लेती है। जुदाई का जंगालूर नश्तर मेरे जख्मों को भी मुद्दत से कुरेद रहा। मैं भी दुखी हूं तुम्हारी तरह। मुझे अपने दुख सुनाओ जी, हल्का हो जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं, मेरे दुख मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरा गम मेरा सरमाया, मेरी यादें वो अनमोल जेवर हैं जिन्हें दिल में महफूज रख छोड़ा। स्वेटर किसके लिए बुना जा रहा है? आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं? आप सबका ख्याल रखते हैं, कोई तो आपका ख्याल रखने वाला भी होना चाहिए। मुन्ना कंपाउंडर से कितनी जल्दी हिल गया है। कल की बात है कि उसे भूत समझ कर चीखने लगता था। इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका दिल अच्छा है तो लोग उसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे देखकर मुझे भी रहम आता है। इसकी बदसूरती में भी एक अजीब दिलकशी। एक और गुण डाला, मेरे लिए तो यही काफी। जी आपके लिए नहीं। तो फिर? जी मैंने कंपाउंडर के लिए बुला। बड़ा नेक ख्याल है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि दो इंसानों की आवाजें बिल्कुल एक जैसी हैं? हो सकता है, लेकिन आप क्यों पूछ रही? जब कभी कंपाउंडर की आवाज मेरे कान में पड़ती है तो मैं चौंक जाती हूँ। जब ये सामने ना हो तो मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे रोशन बोल रहा हूँ। मालूम होता है कि रोशन की याद हर वक्त आपके दिल दिमाग पर छाई रहती है। जरा सी मुशाबत से आपको अपने शौहर का धोखा हो जाता है, लेकिन आपको अपने दिलो दिमाग पर काबू रखना चाहिए, वरना ये हालत बढ़कर दीवानगी की हद तक पहुँच सकती है। दीवानगी? जी हाँ, एक ऐसी स्टेज भी आ सकती है जब आपको हर आवाज रोशन की आवाज सुनाई दे और हर सूरत में रोशन की शक्ल नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करके चलने का यही नतीजा होता है, ठोकर लगती है। शायद मेरी किस्मत ही में ठोकरे हैं। किस्मत का क्यों इल्जाम देती हो? इंसान का अपना किया आगे आता है। स्वेटर तो खूब बुनती हो। जी चाहे तो आप भी बुन सकती हैं, सिखा दूं? मुझे किसे फांसना है कि जाल बुनना सीखूं? आप ही को मुबारक रहे। मैं फिर कहती हूँ, आप मुझे गलत ना समझें। मैं वो नहीं हूँ जो आप ख्याल करती हैं। आपको धोखा हो रहा है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं अच्छे बुरे को खूब समझती हूँ। तुम एक जवान औरत और मेरा शौहर एक हसीन मर्द, नतीजा साफ जाहिर है। इसमें तुम्हारा मेरा या उनका क्या कसूर? कसूर तो है उस बनाने वाले का जिसने मेरे शौहर को इस बला का हुक्म दिया जो मेरे लिए मुसीबत बन गया। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह है जिसने डाली बुरी नजर डाली। मालूम होता है आपने हुस्न देखा ही नहीं। काश मेरा शौहर आज यहाँ होता तो आप भी देखती। Thank you.
गए? मैं इसे अपना ही नन्ना समझता। मैंने तुम्हारे लिए स्वेटर बुना है। स्वेटर मेरे लिए? शुक्रिया, आपको हम गरीबों का किस कदर ख्याल है। क्या तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? बीवी है और एक बच्चा भी है। कहाँ है वो? आराम से रहते हैं घर में। तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं उनकी जिंदगी पर अपना मनहूस साया नहीं डालना चाहता। बीवी के लिए शौहर का और बेटे के लिए बाप का साया मनहूस कैसे हो सकता है? ये एक दुख भरी कहानी है। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मुझे सुनाओ, मुझे दुख भरे अफसानों से प्यार है। मुद्दत हुई जब मोहब्बत की चोट ने पहले पहल मेरे दिल के तारों को थरथराया। उस वक्त मेरी सूरत इतनी भयानक न थी। मुझे याद है कि मगरूर से मगरूर लड़कियां भी मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। आप भी मुस्कुराने लगी। फिर क्या हुआ? प्यार की पींगे बड़ी और तकदीर के हाथों ने मोहब्बत के दो मतवालों को ब्याह की रेशमी डोरी से बांध दिया। दिन गुजरते गए, हमारी मोहब्बत की डाल पर फैलाया, मेरी बीवी की गोद हरी हुई। जिंदगी हमारे लिए एक हसीन ख्वाब बन गई थी कि यकायक जंग के खौफनाक चूलों ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मुझे भी लाम पर जाना पड़ा। मेरे तमाम खुशकिस्मत साथी मारे गए, मगर मैं अब मैं उन्हें लेकर अपनी बीवी के पास जाऊं? क्यों नहीं? उसकी आंखें अपने हसीन शोहर की राह देख रही होंगी। जब वो इस खौफनाक सूरत को देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मालूम होता है तुम्हें अपनी बीवी की मोहब्बत पर भरोसा नहीं। तुम नहीं जानते बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है, उसकी सूरत से नहीं। शायद इसीलिए तुमने एक दिन कहा था औरत एतबार के काबिल नहीं। तुम कितने नादान। मुझे नादान कह देना आसान है, लेकिन फर्ज कीजिए कि आपका शोहर मैदान जंग में गया हो और जब वो लौटे तो इतने ही उसकी सूरत दिखाने को जितनी के मेरी। लोग उसे भूत समझे, उसके साये से भागे। से प्यार है क्या वो अब तुझसे कभी प्यार ना कर सके? कभी प्यार ना कर सकेगी? तेरी जिंदगी जहरीले नाक की तरह उसका रास्ता रोके खड़ी। उसके रास्ते से हट जा, दूर हो जा। वो एक जिंदा लाश है, तुझे देखकर उसके होंठ कभी ना मुस्कुराएंगे, उसकी बाहें अब तेरे गले का हार कभी ना बन सके। रोशन मर गया। रोशन मर गया। रोशन मर चुका। नन्ने, नन्ने, हम भी आएंगे।
खतरे की कोई बात नहीं। लाइए नन्हे को, मैं ले लूं, हजूर थक गए होंगे। ठीक है, तुम यहीं ठहरो। डैडी होगा, घबराइए नहीं, मॉर्फिया का असर होते ही सो जाए। डैडी आ जाएंगे। डैडी डैडी बेटा तुम सो जाओ, तुम सो जाओगे तो डैडी आ जाएंगे, सो जाओ। डैडी को जाने ना देना। से उसका रास्ता रोक दिया, माना कि वो तुम्हें नहीं पहचानती, नहीं जानती कि तुम कौन, लेकिन जब तक तुम उसकी नजरों के सामने मौजूद रहोगे, जब तक तुम्हारी आवाज उसके कानों में गूंजती रहेगी, उसे गुजरे हुए जमाने की याद सताती रहेगी, तुम्हारी हर हरकत हर बात दबी हुई चिंगारियां सुलगाती रहेंगी, तुम्हें उसकी जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का कोई हक नहीं, तुम्हें उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, चाहे तुम्हें उसके लिए मौत का सहारा क्यों ना लेना पड़े। एक बदनसीब, सच बताओ तुम कौन हो? लड़ाई में तुम कहां थे और किस फौज में? क्या तुम सिंगापुर में नहीं थे? हाँ, लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं? इसलिए कि तुम मेरे शहर को जानते हो। जवाब क्यों नहीं देते? खामोश क्यों हो? जिस बात को तुम छुपाना चाहते हो वो छुप नहीं सकती,
जिस राज को तुम पर्दे में रखना चाहते हो अब खुलकर ही रहेगा। जो बात तुम्हारे दिल में उसे तुम जबान पे क्यों नहीं लाते? जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो मगर नहीं कहते। जो कहना चाहते हो कह क्यों नहीं देते? अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए। वही राज जिसे मैं पर्दे में रखना चाहता था, दिल की वो बात जो जबान पर आकर रुक जाती थी, जिसे मैं कहना चाहता था और नहीं कह सकता था, वो एक हकीकत है, जहर से ज्यादा तल। आपका शोहर मर गया। तुम झूठे हो। मेरे जीते जी वो कभी नहीं मर सकते। मेरी मोहब्बत उन्हें जिंदा रखेगी। जिस तरह मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं और यकीन दिलाती हैं कि तुम जिंदा हो, उसी तरह मेरा दिल महसूस करता है और यकीन दिलाता है कि मेरा शोहर भी मरा नहीं, जिंदा है, तुम्हारी तरह। आप अपने आप को धोखा दे रही, आप ख्वाब देख रही, आप जिंदगी के सहरा में रास्ता भटक गई। आपकी प्यासी निगाहें आबे हयात देखती, लेकिन जब प्यास बुझाना चाहेंगी तो चुल्लू भर रेत के स्वाद आपके हाथ कुछ ना आएगा। आप धोखे को हकीकत बनाना चाहते, आपको एक शराब से प्यार, आप एक परछाई को गले लगाना चाहते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठे हो, तुम धोखा दे रहे हो, तुम झूठे हो। शायद डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लीजिए आंसू पूछ डालिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। खैरियत? मैं महसूस करता हूँ कि मेरी गमगीन जिंदगी एक उदास शाम की तरह आपके घर पे छा रही। उदासी इस घर में तुमसे पहले आएगी, तुम्हारे जाने से गम खुशी में नहीं बदल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी बदनसीबी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। छोड़ो ये फजूल बात, बहाने क्यों बनाते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात? बच्चे याद आ गए? जी हाँ, मैं उन्हीं के आराम की खातिर इस घर को छोड़ने पे मजबूर हूँ। तुम कितनी जल्दी हमें घुल मिल गए। अगर तुम चले गए तो ये घर सूना मालूम होगा। खैर, अगर तुम्हें जाना ही है तो मजबूरी है, लेकिन हमें भुला मत देना, कभी कभी याद कर लिया कर। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके मुझ पर बड़े एहसान है, मुझ पर ही नहीं मेरे बीवी बच्चों पर भी। मैं जा रहा हूं लेकिन अपना दिल और जान यहीं छोड़े जाता हूं। ऐसी गलती कभी भूल कर भी ना करना। इस घर के रहने वाले दिल तोड़ देना खेल समझते। क्या हुआ रसभरी, किसने तोड़ा तुम्हारा दिल? अजी, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मेरा दिल कोई क्या तोड़ेगा? मेरा ख्याल है तुम्हारा दिल सिरे से गायब है, कहीं घाट पर तो नहीं छोड़ा है? डॉक्टर साहब, जो खेल आप और बुलबुल खेल रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं। अरमानों की आग को सीने में मत छुपाओ, राख हो जाओगे। कहीं पगली तो नहीं हो गई हो? अगर आप एक जिंदा लाश की खातिर अपनी तमन्नाओं का खून करते रहे और बुलबुल एक झूठी उम्मीद पर अपनी खुशियां कुर्बान करती रही तो दोनों के पागल हो जाने का खतरा है। बड़ी मुंह फट है, जबान है कि कैंची की तरह चलती है, लेकिन मरीजों की खिदमत में दिन रात एक कर देती। खैर, तुम ये नुस्खा बना डालो, एक नया केस आया है। डॉक्टर साहब, अगर गुस्ताखी ना हो तो कुछ अर्ज करूं? कहो। आपकी जिंदगी का हर लम्हा दर्द से कराहते हुए मरीजों की खिदमत में गुजर जाता है, कभी फुर्सत मिले तो अपने दिल की पुकार भी सुनिए। जिस दिन मैं अपने दिल की पुकार सुन सकूंगा मुझे अपना फर्ज भूल जाएगा। मेरी बाकी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के बजाय अपने आप पर रहम खाने में गुजर जाएगी। मत भूलिए डॉक्टर साहब, अपने जी पर जुल्म करना भी उतना ही बुरा है जितना किसी दूसरे का दिल दुखाना। अगर मेरा दिल मुझे एक साए की तलाश पर उकसाता है तो उसे दुखना ही पड़ेगा। जो कदम इतना रास्ता तय कर चुके क्या वो जरा और आगे बढ़कर सुख की उस दुनिया में नहीं पहुंच सकते जहां आहें मुस्कुराहटें बन जाती
आपकी आंखों पर फर्ज की ऐनक चढ़ी, उसे उतार कर देखिए, साया हकीकत बन जाएगा। मेरी खुशियों का जो ख्वाब तुम देख रहे वो ख्वाब ही है। अगर मेरे पांव में फर्ज की बेड़ियां पड़ी हैं तो उसका दामन भी गुजरे हुए कल ने थाम रखा है। बुलबुल की नस नस में उसका पहला प्यार रंग नहीं ले रहा है। चुप बीत जाएंगे, बूढ़ा वक्त चलते चलते थक जाएगा, लेकिन उसके जख्मी पांव किसी को तलाश करते रहेंगे, उसकी हर सांस रोशन को पुकारेगी। हाय रे जालिम मोहब्बत, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। मैं कहती हूँ कि ये शादी होकर रहेगी। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं होगी। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। I'll kill you, I'll kill all of you. राशन, राशन, ये तुमने क्या किया राशन? बोल बोल, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर, इन्हें बचा लो, मेरा सुहाग लूट रहा है। नहीं तो एक गोली मेरे सीने में भी मार दो, मैं इनके बाहर जिंदा नहीं रह सकती। तेरी कोशिश मरने से बचा सकती है तो यकीन रखो ये जिंदा रहेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सलामत रहेगा बहन। डॉक्टर साहब, ये कब तक चल फिर सकेंगे? मसीहा सामने मौजूद हो तुम रुके जी, ये तो मामूली जख्म, इन्हें घर ले चले। आप सहारा दे ये अपने पांव से चलकर पहुंच जाएंगे। रोशन, तुम मेरे सामने होते हुए मुझसे छुपे रहे, मेरे किस गुनाह की सजा दी तुमने? मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमाइश में नहीं डालना चाहता, ऐसी भयानक सूरत से तुम मर जाना है। तुमने समझा तुम्हारी सूरत बदल जाने से मेरे प्यार की शक्ल बदल जाएगी? गलत समझा तुमने, मेरे सरताज इश्क का मोहताज नहीं। पैदाइश से मौत तक इंसान की सूरत कई बार बदलती है, बचपन का भोलापन जवानी के हुस्न में बदल जाता है, और वो भी पायदार नहीं। बुढ़ापे की झुर्रियां बहुत जल्द बदसूरती का नकाब उसके चेहरे पर डाल देती है, लेकिन प्यार हमेशा जवान रहता है, उसका हुस्न लाजवाब है। सच्ची मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से की जाती है, और रूह कभी नहीं बदलती। तकदीर के बेरहम हाथ चेहरे से उसका हुस्न छीन सकते हैं, लेकिन उनकी उंगलियों में इतना बल नहीं कि दिल की मोहब्बत से पंजा लड़ा सके। मोहब्बत बहारों की मोहताज नहीं होती, वो खिजां के झोंकों में भी जिंदा रहती है। मोहब्बत संगीन चट्टानों की तरह अटल होती है। हाथ रहे हाथ में